लव यू इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान आप भी देते हैं, हम भी देते रहेंगे, लेकिन वो जो चोर है ना वो कभी आगे नहीं आएंगे। एक तब्दीली का नया निशान, नया पाकिस्तान और इमरान खान। ये जो अपनी सत्या करवाते हैं ये वैसे ये जो गरीब है उनको दे। मेरे साथ ये एक नन्ही बच्ची मौजूद है जिसने सर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कैप पहन रखी है और हाथ में पार्टी के परचम उठा रखे हैं और परचम के साथ एक क्रॉस का निशान बना रखा है। मैं आपकी बात इस नन्ही बच्ची से करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुआ फातिमा। दुआ फातिमा, दुआ फातिमा क्या लेने आई है यहाँ पर सामान पारक? मैं इमरान खान के लिए आई हूँ। इमरान खान के लिए आई है? क्यों आई है इमरान खान के लिए? मैं हम अपना मुल्क बचाने आए हैं, हम उन लुटेरों से अपना मुल्क बचाएंगे। मरियम भी चोर है, उसके पापा भी चोर है, वो सब पैसा खा के अब लंदन में बैठे हुए हैं। इमरान खान को ये दिखाना चाहूँगी, इमरान खान आप भी देते हैं, हम भी देते रहेंगे, लेकिन वो जो चोर है ना वो कभी आगे नहीं आएंगे, वो हमेशा पीछे बढ़ जाते हैं। जब इंसान एक बार हिम्मत आ जाता तो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं आ रही। वो सारे अब चोर डर के मारे लंदन में बैठे हुए। मरी नवाज भी चोर है, उसका पापा भी चोर है, उसका चाचू भी चोर है, वो बुलावल भुट्टो वो भी चोर है। आई लव यू इमरान खान, इमरान खान। अच्छा मरियम नवाज आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? आप मरियम नवाज को बार बार चोर कह रही हैं, मरियम नवाज कैसी लगती हैं आपको? मरियम नवाज बता तो रही हूँ वो चोर है, तो लगेगी मुझे चोर ही है ना। उसने सारा हमारे मुल्क का पैसा लूट के और इमरान खान के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया। ऐसे लोग इस मुल्क में है क्यों? अल्लाह करके होते ना ऐसे लोग इस मुल्क में। हमारा सारा मुल्क बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। वाह फातिमा, अगर मरियम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही है तो अपने पैसे वापस मांगो उनसे। मरियम नवाज मैं आपको ये कहना चाहूँगी, चोर ने हमारे पैसे वापस दे, हमारा मुल्क तो ने लूट के रखा है। अब डर के मारे लंदन में बैठी हुई है, गरीबों को देख वो सड़क पे। ये जो अपनी सत्या करवाते हैं ये वैसे ये जो गरीब है उनको दे दिया। अगर कुछ चोरी ना हो तो दुआ आपके घर में आटा है कि वो भी चोरी हो गई? मरियम नवाज अल्लाह इमरान खान ने बचा लिया, वरना तो मरियम नवाज ने आके ले जाना था जिस तरह की वो चोरी है। कह रही है कि अभी अभी तक इमरान खान ने इन्हें बचाया हुआ है, नहीं तो जो इनके घर में आटा है वो भी मरियम नवाज ने ले जाना था। मैं इमरान खान को कहना चाहूँगी, एक शेर है उनके लिए जो इलामा इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज यही है रखते सफ़र मीरे गारमा के लिए। ये मेरा पैगाम है और ये इलामा इकबाल का शेर है और मीरे गारमा के मुराद कि ये हमारा लीडर है जो इन पर ही अमल कर रहा है और ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब आप डटे रहें, अपने जो सफर है सफर को ऐसे ही जारी और सारी रखें। हमारी है पहचान, बच्चे बूढ़े और जवान, एक तब्दीली का नया निशान, नया पाकिस्तान और इमरान खान। जबरदस्त। अगर शहबाज शरीफ साहब मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कोई पैगाम दें उन्हें भी आप। शहबाज शरीफ को कौन मुँह लगाना चाहता है? हम जैसी कौम उनको मुँह लगाएगी, उनको क्या पैगाम देना है? उनको तो कोई ऐरा गैरा जो है वो भी नहीं मुँह लगाता, उनको तो बोलना ही नहीं आता, उनको जो है पढ़ना नहीं आता। वो तो जब तकरीर करते हैं तब अपने साथ पेजेस लेके जाते हैं, उन्हें तो इंग्लिश में नहीं बोलनी आती। मरियम तो बहुत अच्छा बोलती है, मरियम को पैगाम दे दो। मरियम नवाज को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो अपनी सर्जरियाँ बाहर जाके करवाती है कहीं इस मुल्क में भी करवा ले, कहीं मर तो नहीं जाएगी। ये जो लंदन जाती है इतने जो है पैसे खर्च करके जाती है, ये अवाम का खून चूस के इससे पैसे निकालें। ये जो है पूरा टब्बर सारा ही चोर है, कोई इनमें चोर ना हो जो इन्होंने लंदन में अपने फ्लैट बनवाए हुए चोरियाँ कर करके यहाँ मुल्क के। तो मैं तो उसको यही कहना चाहूँगी, अब इमरान खान का दौर आने वाला है और अपने आप को बचाने की जो है ना तैयारियाँ कर लो। कानून है, आईन है और हमारी नज़रें आप पर है। अदिया से मेरा पैगाम है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। चलें जी, ये नूर फातिमा कह रही हैं कि इनकी नज़रें मौजूद अदलिया पर हैं और 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। ये आपसे इंसाफ मांग रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका पाकिस्तान में जो इनका पैसा है वो चोरी हो चुका है और ये मज़ीद खराबी की तरफ नहीं जाना चाहते। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो मुल्क बचेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।